क्वेश्चन इज सेलेक्ट द बेस्ट एल्गोरिदम टू डू पेयरवाइज अलाइनमेंट टू प्रोटीन्स आर वेरी डिफरेंट इन लेंथ सपोज दे आर डिफरेंट इन लेंथ डिफरेंट है हम इसमें से इसके लिए हम कौन सा पेयरवाइज अलाइनमेंट करेंगे और वी के से बेस्ट एल्गोरिदम टू डू पेयरवाइज अलाइनमेंट इज वाटरमैन स्मिथ वॉटरमैन इज लोकल अलाइनमेंट डल मैन वंश इज ग्लोबल अलाइनमेंट मैट्रिक्सोर अलाइनमेंट इट इज अट बेसिक मैथड डी इज क्लस्टर डब्ल्यू क्लस्टर डब्ल्यू इज अ मल्टीपल सिक्वेंस अलाइनमेंट सभी हमें इन दोनों के बारे में बात करनी है स्मिथ वॉटरमैन एंड निडल मैन वंश के बारे में विथ वाटरमैन है लोकल अलाइनमेंट एंड डीडर मैन मोशे ग्लोबललाइनमेंट ग्लोबल अलाइनमेंट का यूज हम करते हैं जब दो प्रोटीन सिक्वेंस के लेंथ सिमिलर हो और देआर दे बिलोंग्स टू क्लोजली रिलेटेड सिक्वेंसेज दिस ऑप्शन कैनॉट भी करेक्ट दिज ऑल आर एंड करेक्ट वन इज स्मेथ वाटरमैन स्मैथ वाटरमैन क्या है लोकल अलाइनमेंट लोकल अलाइनमेंट का यूज हम करते हैं इट डू नॉट एज्यूम दैट द टू सीक्वेंसिसंथ सो इट ओनली फाइंड द लोकल रीजन विद द हाई सिमिलैरिटी बिटवीन द सीक्वेंसेज क्या करता है दो के बीच में हाई सिमिलरिटी रीजन को फाइंड आउट करता है एंड इट इज जनरली यूज फॉर द डाइवर्जन सीक्वेंसेस ऐसे सिक्वेंसेज जिनके बीच में सिमिलैरिटी बहुत कम होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम कंजर्व रीजन को फाइंड आउट करते हैं या हाईली सिमिलर रीजन को फाइंड आउट करते हैं तो so, सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए स्मिथ वाटरमैन जो कि जो कि क्या है लोकल अलाइनमेंट है विच इज बेस्ड ऑन स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम सो ऑप्शन ए इज करेक्ट